ये सुबह स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी जाके स्टार्ट हो रहा है शाम के 7:30 बजे। सो भाई अगर रात भर शूटिंग करेंगे तो आराम कब करेंगे? ओके, सो गाइस मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे पूरे देश भर में एक चीज बड़े जोर से फैल रहा है, वो है कोरोना वायरस। ओके, अब जब से वायरस फैला है तब से घर वाले बोलते हैं चिकन मत खाओ, दोस्त बोलते हैं चिकन मत खाओ, बहुत लोग बोलते हैं कि चिकन मत खाओ, अंडा मत खाओ, मटन मत खाओ। अब पता नहीं क्यों बाहर तो सब कुछ बिक रहा है। ओके, सो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग चिकन खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। मैं तो यहाँ पे चिकन खा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है जिम, तो मुझे लगता है कि मैं ये चिकन खा सकता हूँ। सो मुझे किसी ने कहा है मतलब चिकन को पकाने के बाद उसके सारे कीटाणु तो मर जाते हैं, तो फिर वायरस कहाँ में रहा? अगर आप कच्चा खाते हो तो उसमें वायरस रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो अपना चिकन जो है पूरा पक चुका है, तो इस चिकन को खाते और जाते जिम। और अगर मैं चिकन खा के गलती कर रहा हूँ तो मुझे बताना, मैं कल से चिकन खाना बंद कर दूंगा जब तक ये वायरस जाता नहीं है। क्या बोलते हैं? चिकन को पहले मैं इधर सामने ले लूँ। तो ये है यहाँ पे एक तंगड़ा लेग पीस। ओके, ये खाने के बाद भाई 1.5 घंटा तो वर्कआउट कर सकता हूँ, तो कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार आ जाता हूँ खाने के लिए। उसके बाद क्या होता, खा नहीं पाता, मतलब रेगुलर में इसको खा नहीं पाता, हफ्ते में 1-2 बार खा लेता हूँ। पता नहीं, लोग बोलते चिकन मत खाओ, पर चिकन देखा हमारे साथ वो मैडम जुड़ चुकी है, चिकन में कोई वायरस नहीं है, खाओ ये खाते जाओ। और हमारे वहाँ पे सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। भैया तुम्हारा नाम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले गौरव भाई। क्या मालूम कौन ये अफवाह है, कौन फैलाता है क्या पता। मैडम हमारे साथ हम पहले खाते फिर आपसे बात करते हैं। जिस स्पीड में आपने देखा टाइम लैप्स की, मैंने किस तरह यह लेग पीस खत्म कर दिया भाई, जो टेस्टी और जो स्मूथनेस था, स्मूथनेस था, खत्म कर दिया। सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो भाई दिल से रियली सॉरी भाई, हम तो नॉन वेजिटेरियन है, मतलब हम तो ये घसड़ के खा लेते। ओके, सो अब आ चुकी है बहुत ताकत, अब जाते हैं सीधा जिम और जाकर फाड़ के ऐसा वर्कआउट करेंगे कि वर्कआउट करने के बाद आने के बाद एक और हम यहाँ पे खाएंगे। ओके, यहाँ देखो एकदम फ्रेशम फ्रेश लेग पीस। सो अगर आपको भी ऐसे स्वादिष्ट खाने तो भाई ज़्यादा दूर नहीं अपने बोईसर से, सो बाजू में केटी है, केटी के 2 कदम आगे आओगे आपको ये दुकान मिल जाएगा। क्या नाम है दुकान का? बस बाकी उधर नाम पढ़ लो भाई, काफ़ी खतरनाक नाम बताया यार, और सरफया कैटरेस। तो ये मेरी रोज की कहानी, मतलब जब भी जिम आता हूँ साला मेरा कार पता नहीं कहाँ चले जाता है, और वो मुझे ऐसे उसमें 5 मिनट ढूंढते ढूंढते चले जाता है। तो मैं अपना मेरा कार्ड में कैंसिल करवा देता हूँ कि भाई मेरा कार्ड मत बना, आधा टाइम इसमें निकल जाता है। सो कुछ नहीं, भाग के मुझे यहीं पे आना था कि मैं आज जो मेरे कोच है उनसे पूछने वाला हूँ कि कितने प्रतिशत बॉडी बिल्डर नॉनवेज खा के बॉडी बनाते हैं और कितने प्रतिशत वेजिटेरियन खा के बॉडी बनाते हैं, और जो अभी कोरोना वायरस फैला है उसकी वजह से क्या बॉडी बिल्डर चिकन खाना छोड़ दिए क्या? हाँ ऐसा कुछ ना। ओ कोच, तो ये हमारे कोच, इनका नाम है कुबन स्वामी। हाँ, जो उन्होंने बोला आप सुन ले रहे हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। तो मुझे ये बताओ, अभी जो कोरोना वायरस फैला है लोग बोल रहे चिकन मत खाओ, तो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका क्या हाल होगा? मतलब पहली बात तो चिकन से कुछ फायदा नहीं। हाँ देखो सुनो यहाँ पे, ओके, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या चिकन से डर रहे, तो चिकन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है पहली बात तो। पहले एक तो इंडिया में एक तो बॉयलर चिकन है, उसमें कहाँ फैलने वाला है जो भी है सब, तो एक तो फॉरेन साइड है, चाइना है क्या, जैसे चाइना से यही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और भी मेरे 2-3 मतलब चिकन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई अगर आप लोग डर रहे हो चिकन खाने से, कंफ्यूज हो, तो बिल्कुल नहीं, चिकन पकने के बाद कोई कीटाणु नहीं रहता। सो चिकन बिंदास खाओ, चिकन भले सस्ता हो गया तो मौके का फ़ायदा उठाओ, 1 किलो 2 किलो 3 किलो लेके फ्रिज में डाल दो, मजे करो। सो और मैं अपने 2-3 दोस्त लोग से पूछेंगे चिकन के बारे में कि उनकी क्या राय विचार है। वीडियो में बने रहो, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम 4 दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते, 1 दिन आते हैं। लेकिन वीडियो के एंड में आपको बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, जो है 2020 का लद्दाख वाला ट्रिप।
सो जो आपने अभी टाइम लैप्स देखा ओके सो मतलब बड़े जोश में चिकन विकन खा के आए थे यहाँ पे, लेकिन आने के बाद हार्डली से 5 मिनट वर्कआउट किया और मैं यहाँ पे हालत मेरी ठुस, मतलब पता नहीं यार एनर्जी कहीं तो गायब हो गई। अब टाइमिंग देखो ना, कल दिन भर जगे थे, रात भर वेडिंग शूट किया, आज दिन भर जगे हैं, तो भाई एनर्जी कहाँ से आएगी, मतलब 1 घंटे की नींद भी नहीं मिली। अरे चंदा, सो काम करते, इसको हम बंद करते, थोड़ा सा मैं बेसिक वर्कआउट कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं ले लद्दाख का इन्फॉर्मेशन वीडियो। ओके सो यहाँ पे हम जिम से आ चुके हैं ओके, और जैसा प्लान किया था, कोरोना वायरस का डर जो लोगों में बैठ चुका है यहाँ पे कि लोग है चिकन विकन नहीं खा रहे, अंडे नहीं खा रहे, खाली वेजिटेरियन खा रहे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने बोला कि आप चिकन बिंदास खा सकते हो यार, ऐसा चिकन में कुछ है नहीं, आप कच्चे मांस नहीं खा सकते। ओके सो मैंने यहाँ पे ओके सीधा मैंने यहाँ पे चाय के घर पे देने के लिए 4 किलो चिकन ले लिया है। सो आप यकीन नहीं करेंगे कि 4 किलो चिकन दोस्त के घर पे देने के बाद मैं 3 दिन गायब हो गया, सडनली 3 दिन गायब हो गया, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, सभी को मतलब सभी के काम छोड़ दिए, 2-3 बाहर के काम थे शूटिंग के वो मैंने काम छोड़ दिए, पता नहीं क्या हो गया, अभी भी उसी हाल में हूँ। सो उस हाल में हूँ तो मैंने देखो क्या किया, दिख रहा है गाड़ी के सारे टॉप बॉक्स साइड बॉक्स सारे खोल के निकाल दिए। आपको फिश टैंक दिखा दूँ, फिश टैंक में 2-3 मैंने 2 मछली एक्स्ट्रा ले गया है, एक ये काला वाला, पर ये सब टेढ़े क्यों स्विमिंग कर रहे, देखो ना ये भी टेढ़ा स्विमिंग कर रहा है यार, कल जब से मैंने कल ये 2 लेके आया इसको इसमें डाल दिया तो ये टेढ़े स्विमिंग क्यों कर रहे। सो ये रहा एक यहाँ पे, इसमें एक और था गोल्डन फिश जो कि मुझे कहीं और रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो 3 गोल्डन फिश है ये तीनों उसको ना बहुत मार रहे, उसको चोट घाव पहुँचा दिया उसके पेट पे, यहाँ पे उस गोल्डन फिश को यहाँ पे साइड में रख दिया, इसके अंदर है वो, यह इकलौता बचा हुआ है। सो ये यहाँ पे आराम से सुकून से है, बाकी सब जो है बाहर है, फुल मस्ती कर रहे वो लोग, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे गाड़ी का आधा सामान, यहाँ पे गाड़ी का आधा सामान, अब चलो जाते हैं बाहर गाड़ी को देखने के, गाड़ी कैसा दिख रहा है, मैं आने में देख रहा था कि 3 दिन अगर बंदा नहाए नहीं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है। सो जब भी लंबा दूर जाता हूँ इस हेलमेट को जरूर मैं कैरी करता हूँ, बिकॉज स्टील बट का ये वाला जो हेलमेट है वो बहुत ही आकर्तिश कुछ मतलब ऐसा कुछ तो वर्ड है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता है वो अपनी ओर। ओके सो आ चुका हूँ लोकप्रिय जगह छोटा गोवा बोईसर का, जो लोग भी बोईसर इस प्लेस को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। सो मैं भी कभी कभी आ जाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ हम बात करेंगे वीडियो के एंड तक कि लद्दाख का ट्रिप कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, उसमें क्या क्या आपको कैरी करना है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इसमें भी बता देता हूँ कि जो लोग भी उत्सुक थे कि कब आएगा अपडेट वाला वीडियो लद्दाख का। सो ये वाला वीडियो है, उससे पहले आप बोलो ये गाड़ी एकदम नई लग रही है कि नहीं, एकदम A1 लग रही है कि नहीं। सो भाई ड्यूक 390 250 और अभी जो न्यू 200 है ड्यूक, ऑलमोस्ट इस तरह का लुक आ चुका है 200 का। सो जो लोग भी KTM बाइक लेना चाहते हैं तो मैं तो भाई एक ही सजेस्ट करूंगा कि भाई लेना तो ड्यूक 200 लेना और कुछ मत लेना, ज़्यादा पैसे है तो 390 लेना। सो गाड़ी का सारा टॉप बॉक्स साइड बॉक्स निकाल दिया और गाड़ी का जो मेन था वो जाना का जो कैरियर है वो भी निकाल दिया और मैंने यहाँ पे इसका सिंग लगा दिया है, जिससे गाड़ी अपनी ओरिजिनल लुक में आ गई है। मैं कुछ दिन इसको इसी लुक में चलाने वाला हूँ। किसी ने मेरी फीलिंग समझी कि भाई एक अपना बिजनेस मैं खड़ा कर रहा हूँ जो फोटोग्राफी फिल्म का है, सो उसे अटेन करना मतलब उसे संभालना और अपना यूट्यूब भी कंप्लीट करना सो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो 3-4 दिन में उसी पागलपंती में सोया था। सो अब जाके आँख खुली है, सो गाड़ी को जैसे आँख खुली मैंने उनको आज तो कुछ करते, तो गाड़ी को ले कर पाना लेके गाड़ी को पूरा खोल कर दिया, जिसको A1 लुक में कर दिया। अब हम बात करते हैं ले लद्दाख जो जाने वाले हम 7वें महीने 25 से 30 तारीख के बीच में, उस टाइम पे बारिश रहेगा ऑल ओवर इंडिया आई थिंक सो। मैं ले लद्दाख जाके आ चुका हूँ 2019 में, लेकिन ले लद्दाख मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है। मैं ले लद्दाख सिर्फ खाडुंगला टॉप तक जाके वापस आ चुका हूँ, बिकॉज मैं वहाँ पे हो चुका हूँ, मैं वहाँ पे बेहोश हो गया था, पता नहीं एनर्जी मेरी पुल किधर तो गायब हो चुकी थी, तो वहाँ से मैं रिटर्न आ गया, क्योंकि उसके ले खाडुंगला टॉप के आगे भी है पैंगोंग लेक और नुब्रे लेक जो कि एक पाकिस्तान बॉर्डर पे एक चाइना बॉर्डर पे, अगर वो कंप्लीट कर लिया तो भाई समझो आपने ले लद्दाख कंप्लीट कर लिया। ले और एक और अच्छी बात कि मैं गया था ले लद्दाख सबसे बड़े से वो है जम्मू कश्मीर कारगिल होते हुए, जो कि लेह लद्दाख मतलब लेह लद्दाख के ऊपर से जाके नीचे आता है, और मैं इस साल जाने वाला हूँ मनाली रूट होके जो कि सीधा सीधा चंडीगढ़ से साइड साइड से होते हुए ऊपर जाता है, जो कि 500 किलोमीटर का डिफरेंट पड़ता है और बजट पे भी असर पड़ता है। तो इस साल हम जाने वाले मनाली होके लेह लद्दाख, जो कि बहुत अच्छा रूट है, ऑलमोस्ट सब लोग वहाँ से ही जाते हैं। कैपेसिटी है 4 से 5 बाइक, मुझे तो लगता है 1 आ जाए वही मेरी बड़ी बात है, लेकिन देखते अगर 4 से 5 बाइक हो गई तो हम निकलेंगे ले लद्दाख 7वें महीने 25 से 30 तारीख के बीच में, बजट है 25,000 का
और एक और चीज़ बता दूँ, इसमें जो भी जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी। ये नहीं कि आप मेरे साथ जा रहे हो तो आपका सारा जिम्मेदारी मैं लूँगा, ओके? क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, समझ रहे हो? तो ये एग्जांपल आप थोड़ा सा रोड के ऊपर लगा लो, अगर हम चल रहे हैं, कुछ हो गया तो समझ गए ना कि घर वाले आके आपके मेरा गला नहीं पकड़ना चाहिए कि बुलेट सिंह तू क्यों लेके गया मेरे बच्चे लोग को, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। एग्जाम्पल फॉर्म, एक तो एग्रीमेंट बनाऊंगा, उस पर साइन करवा लेंगे, क्योंकि भाई लंबा सफ़र है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, गाड़ी आप चलाने वाले हो, मैं नहीं चलाने वाला हूँ, मैं आगे कि मैं आपके साथ में रहूँगा, ओके? अगर उस टाइम पे आपने मेरी नहीं सुनी, आप अपनी सुन के दौड़ दौड़ जा रहे हो और आगे जाके कुछ हो गया, तो लोग मेरे गले नहीं पकड़ने चाहिए। तो ले लदा काफ़ी लंबा सफ़र है, काफ़ी रिक्सी सफ़र है, वैसे भी बहुत सारे ग्रुप है जो काफ़ी अच्छे खासे पैसे लेके जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे जैसे स्ट्रगलर है भाई, जो कम पैसे में जाना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यूनिक रहेगा अपना। सो ये है, ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी, गाड़ी आपकी रहेगी, पैसा आपका रहेगा, बस हम आपके साथ रहेंगे, मज़े दिलाएंगे आपको, ओके? आपको यकीन नहीं हो रहा, देखो मैं यहाँ पे अकेला हूँ, कोई नहीं है, धीरे धीरे सन डूब चुका है, संताप हो चुका है, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है डर। डर है ना? चलो, गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, हेलमेट भी वहाँ पे, बैग भी है, अब जाते थोड़ा सा बाहर, खाते पीते, और चार दिन से जिम भी नहीं गया, हालत बहुत ख़राब हो जाती है, कभी कभी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं कौन सी दुनिया में चले जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ, सारे काम छोड़ देता हूँ। तो चार दिन मैंने कितने लोगों को टांग दिया ना काम के लिए, वो तो देखती व्लॉग नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ मैंने बहुत लोगों को टांग दिए, मैंने ऑर्डर लेके मैंने काम छोड़ दिया, मैं काम पे नहीं गया, मतलब मैं ऐसी हालत मेरी हो गई थी, मतलब फ़ोन साइलेंट पर रख के साइड में फेंक दे रहा था, फ़ोन घंटा नहीं किसी का उठा रहा था, लेकिन ये बहुत बुरी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा मेरे साथ। सुबह के 4:04 हो रहे और यहाँ पे जस्ट आराम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे, यहाँ पे जस्ट वेडिंग एडिटिंग ख़त्म किया है। सो मेरे बोलने का आप लोग गलत मतलब ना निकालें प्लीज़, ओके? क्योंकि राइड जो है बहुत आराम से सेफली किया जाता है और कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, इसलिए मैंने ये बातें कही कि हम एग्रीमेंट बनाएंगे और जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो आपकी रहेगी, उसमें मेरा नहीं रहेगा। बस मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं आपको लेके जाऊंगा लेह लद्दाख तक, ओके? अगर आप मेरी बात प्रॉपर सुनोगे तो, मेरे कहे हुए पे चलोगे तो, बाकी एडवेंचर तो होता रहेगा अपने राइड में, ओके? जाते जाते एक चीज़ बता दें कि मतलब फाइनली इतना मतलब फैल चुका है इंडिया में कोरोना वायरस की, भाई अब हर जगह उस चीज़ से बचने की सुख सुविधाएँ बताई जा रही हैं, लोगों को दिया जा रहा है, मास्क पहनने को कहा जा रहा है, हाथों को कई बार धोने, मतलब अच्छे से रहो, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ में आपका सारा कंट्रोल है। सो हाथ को 10 बार धो, फेस को बचाओ, जो भी छींकता है खांसता है उनसे दूर रहो, ओके? और जिनको कोरोना वायरस हुआ है या लगता है उनको होएगा, तो भाई फ्री में सब कुछ इलाज चालू है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाओ, अच्छे से इलाज कराओ और अच्छे से रहो, और आप लोग भी बचो, और जिनको सर्दी खांसी है तो ये मत सोचो कि आपको कोरोना वायरस हो गया, नॉर्मल से रहेगा, मुझे भी लगा कि हो गया 2 दिन सर्दी आया तो, लेकिन नहीं, उसके लक्षण कुछ अलग ही होते हैं। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। सो मैं ये इफेक्ट डाल रहा था।